लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल पिछले कई दिनों से लगातार छठ घाटों का निरीक्षण करती आ रही है। निरीक्षण के दौरान जिस घाट पर कुछ खामियां नजर आती हैं, उस घाट पर तुरंत नगर निगम के अधिकारी से बात कर अविलंब घाट की साफ सफाई को लेकर निर्देश देती नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज महापौर ने शहर के तीन प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया, जिसमें मुसहरी घाट, गोला घाट और बरारी घाट के लंच घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हमने तीन घाट का निरीक्षण किया है, जिसमें सबसे अच्छा घाट लंच घाट दिखा, जहां पर साफ सफाई के साथ छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले हमने लंच घाट के जल को भी उठाकर देखा। निरीक्षण के दौरान भागलपुर नगर निगम के वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, पार्षद प्रतिनिधि शशि मोदी, पार्षद पंकज गुप्ता के साथ कई वार्ड के वार्ड पार्षद और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मैंने तीन घाटों का निरीक्षण किया। सबसे पहले वो मुसहरी घाट का किया, फिर पुल घाट का, और अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ लंच घाट पे। तो तीनों में से सबसे अच्छा ये लंच घाट है। बिल्कुल साफ सुथरा, और गंगा जी का हमने दर्शन भी किया और उन चरण स्पर्श करके उनका, और हमने उनके जल को अपने माथे पर भी लगाया। तो ऐसा हम किसी भी घाट पर अब तक कर नहीं पाए थे। और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत दूर तक ये घाट बना हुआ है, और यहाँ पे जो है प्रभारी यहाँ के इस घाट के जैन जी हैं और शंकराचार्य जी हैं, दोनों लोग बहुत मेहनत से इस घाट को सवारे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मुसहरी घाट है वो भी अच्छा बन रहा है, और उसमें कुछ टाइम लगेगा, एक दो दिन का लग जाएगा उसमें टाइम, क्योंकि विसर्जन हुआ है वहाँ पे काली जी की प्रतिमा का, तो वो घाट सवरने में दो दिन लगेगा। वो भी घाट अच्छा है, और वहाँ के घाट के जो जयप्रकाश जी देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और लाइटिंग वाइटिंग की भी व्यवस्था सही है सब जगह। पुल घाट पे थोड़ा परेशानी है, वहाँ पर पानी नहीं आ सका, बहुत दलदल है, तो लोग वहाँ पर लगे हुए हैं। जो वहाँ के पार्षद हैं उन्होंने सोचा है कि उसमें मोटर पंप से पानी, गंगा का पानी वहाँ ला करके, और जो सीढ़ी है सीढ़ी पे फिर पानी जब जमा हो जाएगा तो फिर छठ व्रती वहाँ से अच्छा से पूजा कर सकेंगे। देखते हैं कितना दूर तक वो कामयाब होते हैं। दो दिन के बाद फिर मैं आऊँगी, देखूँगी कि व्यवस्था और दुरुस्त हुआ था। विक्रमशिला के सेतु समानांतर पुल का निर्माण एसपी सिंगला को मिला है, जबकि कुछ महीने पहले एसपी सिंगला के द्वारा सुल्तानगंज अगवानी पुल का निर्माण किया जा रहा था और पुल अचानक गंगा की गोद में समा गया। इसके बावजूद उस पर कार्रवाई करने की बजाय उसे एक और पुल के निर्माण का टेंडर दिया गया है। मामले को लेकर भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा, टेंडर प्रक्रिया पहले से मिली है। हालांकि अगवानी पुल घटना के बाद सरकार के द्वारा विक्रमशिला सेतु समानांतर पुल निर्माण को लेकर विशेष निगरानी रखने की जरूरत है। अगर इस बार भी कोई अप्रिय घटना घटती है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा, तो उसके ऊपर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, साथ ही कंपनी का ब्लैकलिस्टेड करे। पूरे बिहार सहित देश में उसे कहीं काम नहीं मिलना चाहिए। जिस समय इसका टेंडर हुआ, टेंडर में काफी समय लगता है, उसमें भी इनका लोएस्ट टाइम को मिला है, लेकिन निश्चित तौर पर जो अगवानी घाट में जो इनके कंस्ट्रक्शन कोलैप्स किए थे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। सरकार ने इस पर कार्रवाई भी करने की बात की, और सिंगला को ये आदेश भी दिया गया है कि आप अगवानी पुल घाट पे आप निर्माण करिए, उसका कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपने सवाल किया, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, यह जो कंस्ट्रक्शन विक्रमशिला सेतु का जो समानांतर पुल बन रहा है और जो सिंगला जी को दिया गया है, इस पर निगरानी उनकी कड़ी होनी चाहिए, ताकि काम में गुणवत्ता में कोई कमी न हो। और इस बार अगर गुणवत्ता में कोई कमी होती है, उसको ब्लैकलिस्ट करिए और पूरे बिहार और देश में उनको काम नहीं मिलेगा। मैं सुबोध कुमार शाश्वत प्रपति की ओर से भागलपुर एवं बिहार वासियों को काली पूजा एवं छठ पूजा की ढेर सारे शुभकामना देता हूँ। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर आवे, पधारे और सुख समृद्धि आप लोग को दे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ छठी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी, समस्त देशवासियों को दीपावली, काली पूजा और आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पर्व खुशियों के लिए आता है, लेकिन असावधानियों के चलते पर्व के त्यौहार के उमंग में बाधा नहीं पड़ जाए, इसलिए सावधानी रखें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटाखों पर बैन किया गया है।
देश हित में किया गया है, पॉल्यूशन के मद्देनजर किया गया है, हमारा कर्तव्य है कि इसका पालन करें। साथ ही छठ में पानी के समीप हम लोग जाते हैं, महिलाओं बच्चों का विशेष ध्यान रखें, कोई दुर्घटना नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं विशाल कुमार अन्य डेवलपर्स जीरो माइल भागलपुर की ओर से आप तमाम देशवासियों को एवं शहरवासियों को दीपावली, काली पूजा एवं छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय माँ काली। दिनांक 10 नवंबर 2023 को धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके शहर भागलपुर में शुभारंभ होने जा रहा है। आभूषणों की नए नए डिजाइनों के साथ गणपति ज्वेलर्स सोनापट्टी का सेकंड ब्रांच श्री गणपति ज्वेलर्स, सोने की गहनों की बनवाई पर 50% की छूट एवं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार, विगत 20 सालों से आपकी सेवा में। तो आइए इस त्योहार को बनाइए कुछ खास श्री गणपति ज्वेलर्स के साथ। हमारा पता है खरमनचक आबकारी गोदाम के निकट भागलपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9934453106 और 9470761103। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर सभी समुदाय के लोग आस्था में डूबे हुए हैं और शांति सौहार्द का नजारा पेश कर रहे हैं। भागलपुर जिले के नाथनगर के प्राचीन चंपा नदी घाट पर छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं छठ व्रतियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर हिंदू समुदाय के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने छठ घाट की साफ सफाई की। आइए आपको हम दिखाते हैं किस तरह मुस्लिम समुदाय के लोग भी छठ घाट की साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। मैसेज समाज को सिर्फ ये देना चाह रहे हैं, ईद हो, दीपावली हो, होली हो, काली पूजा हो, हम तमाम शांति समिति एवं हर वो समाज के कार्यकर्ता लोग जो समाज के विभिन्न अंग हैं उन तक अपना मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। कोई भी पर्व त्यौहार या किसी भी धर्म का हो, यह पर्व बटा हुआ नहीं है। यह पर्व हर उस इंसान का जो इंसानियत जिंदा करना चाहते हैं, वही इंसानियत जिंदा करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आप लोगों का जो हिंदुओं का बुलाया था महापर्व, आस्था का महापर्व, इस आस्था का महापर्व में हम लोग भी श्रद्धा रखते हैं और बहुत सारी मुस्लिमें भी छठ करती हैं। हम लोग बच्चे से देखते चले यार, सुनते भी हैं, तो उसी एक कड़ी को जोड़ने के लिए हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं समाज के हर उस वर्ग को कि आप इंसानियत को जिंदा कीजिए, इंसानियत कायम कीजिए, दूर मत जाइए। चाहे कोई भी पर्व हो, हमारा हो, आपका हो, हम जब तक सब मिल करके पर्व एक नहीं करेंगे तो एक मैसेज नहीं जाएगा कि ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ पे जितने भी धर्म हैं सब धर्म एक है, लेकिन जब एकता की बात आती है तो हम एकता हैं, अलगता रखेंगे। हमारा यही मैसेज है तमाम नागरिकों के लिए, तमाम पर्व मनाने वालों के लिए। हम लोगों का आना सिर्फ इसलिए हुआ है कि घाट की बेहतर सफाई हो, क्योंकि भारत में सबसे बेहतरीन पर्व अगर कोई माना जाता है तो वो छठ पर्व होता है। इसके लिए यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग देखने में आता है कि मुस्लिम भी इसके प्रति बहुत श्रद्धापूर्वक आस्था इन पर रखते हैं, इसलिए हम लोगों का मानना है कि घाट पर्व में, छठ पर्व में घाट की बेहतर सफाई हो, इसके लिए आज हम लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और दूसरा ये भी है कि जहाँ एक तरफ देश में हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने के लिए बहुत से लोगों ने साजिश रच रहे हैं, हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि भागलपुर से एक अच्छा मैसेज जाए कि आपस में हम दोनों तब भी भाई थे,
जब जंग 47 थी आज भी भाई हैं और आने वाले कल में भी भाई रहेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। लोगों को इससे इबरत हासिल करना चाहिए, इनसे सीख लेना चाहिए कि ये देश हमारा है, हम सभी का है, हम लोग यहाँ मिलजुल कर रहना पसंद कर। ये चंपा नदी घाट ऐतिहासिक घाट है, यहाँ पर बरसों से 1983 से यहाँ पूजा समिति गठित है और उसकी देखरेख में यहाँ जो है छठ का जो है कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। हमारे यहाँ पर जितने भी मुस्लिम भाई हैं सभी लोग मिलजुल के यहाँ काम करते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का होता है। अभी हमारे पार्षद हैं भाई मनीष जी, इनका भी पूजा समिति को भरपूर सहयोग है और ये कह रहे हैं कि भैया जो भी होगा हम तमाम लोग मिल करके जो है इसको और अच्छी तरह से करेंगे और तमाम घाटों का भी जो और जो घाटें हैं मखदुमसा घाट, लालूचक घाट, दरगाह पट्टी घाट, ये तमाम घाटों का भी सारी टीमें जो है निरीक्षण कर रही हैं, जहाँ जो कमी हो रही है सारे लोग मिलजुल करके उसको जो है पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि छठ महापर्व में किसी प्रकार का जो है व्रतियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और सब लोग हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं। अब ये अंतिम त्यौहार है और हम लोग पूरा प्रयास करके इसको और अच्छा और मनोरम करने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा अभी यहाँ पर इस चंपा नदी घाट पर बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे पूजा करने के लिए और निगम के द्वारा एक पार्षद होने के नाते जो भी निगम के द्वारा पूजा समिति को प्रोवाइड कराई जाएगी सुविधा उसका हम लोग पूरा भरपूर सहयोग करेंगे और हमारी ओर से जो भी पूजा समिति को चाहिए वो हम भी प्रोवाइड कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। और ये लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा और ये नदी, ये चंपा नदी घाट पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं और हम लोग सभी लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी धर्म के लोग यहाँ पर एकजुटता के साथ आस्था पूर्वक इस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। आज बिहार ही नहीं पूरे देश में छठ पूजा मनाया जाता है, ये हम बिहार वासियों के लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज पूरे देश में लोगों के प्रति, छठ पूजा के प्रति जो आस्था है वो बहुत ही बखूब है और हम लोग एक पार्षद होने के नाते और भी हमारे कई सारे पार्षद, साथी पार्षद जो हमारे वार्ड के आसपास के हैं वो लोग भी इसमें काफ़ी भागीदारी रखते हैं, सहयोग करते हैं और इसी के साथ जो है हम लोग यहाँ पर सब लोग एकजुट हुए हैं और घाट का जो हम लोग व्यवस्था है उसको हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। जो भी हम लोगों को लगेगा कि घाट पे कमी है हम लोग उसको पूरा करेंगे और आने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ जो चंपा नदी घाट है शुरू से ही मुस्लिम भाई हमारे चंपा अंदर मेदिनी नगर इस आस पास के कितने हमारे मुस्लिम भाई हैं सभी लोग छठ में यहाँ रहते भी हैं और यहाँ मुस्लिम महिला भी छठ करते हैं, जो जिसका मन्नत पूरा हो जाता है मुस्लिम महिला भी छठ को मानते हैं। छठ आस्था का पर्व है, पूरे देश में मनाया जाता है और छठ मैया से जो भी मन्नत पूरा होता है वो अपना छठ मनाते हैं। और ये चंपा नदी घाट पर यहाँ पानी हम जिलाधिकारी महोदय से मांग किए हैं वो कि भाई यहाँ जो चंपा नदी घाट पर लाखों की भीड़ होती है पानी स्तर बहुत, डीएम साहब से मांग किए थे कि भाई बाका से हलमनवा डैम से छोड़ा जाए जिससे यहाँ जो हमारे इस क्षेत्र का जो छठ प्रतियों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। नगर आयुक्त से भी मांग की है, नगर आयुक्त भी बोला है जो भी आपका मांग है आप आइएगा, सारा व्यवस्था नगर निगम से हम करेंगे। और यहाँ सूर्य भगवान का मूर्ति का स्थापना होता है, यहाँ पंडाल बनता है, लाइट की व्यवस्था होती है, सारे हम दोनों भाई सभी पर्व राम रहीम के तरह मनाते हैं और मुस्लिम भाइयों का भी हर पर्व में, चाहे अभी काली पूजा शांति सद्भाव से रहा, दुर्गा पूजा जैसे ईद हो या मुहर्रम हो, हम सब भी अपना टीम पूजा समिति के शांति सद्भाव, यही तो खूबसूरती है भागलपुर की, यही तो गंगा जमुना जो तरजीज है उसको हम सब बरकरार रखेंगे और हमारे सारे टीम चाहे सारे लोग मिल के छठ पर्व धूमधाम से मनाएंगे और हमारा यहाँ खरना भी होता है।
छठ पर्व पर महिलाएं नाक से मांग तक सिंदूर इसलिए लगाती है ताकि उनके पति की आयु लंबी हो, उनका समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़े। धार्मिक मान्यता है कि जो महिलाएं सिंदूर छिपा लेती हैं उनके पति समाज में छुप जाते हैं और वो तरक्की नहीं कर पाते, इससे उसकी आयु भी कम हो जाती है। सनातन धर्म के अनुसार हिंदू के विभिन्न रिवाजों में सिंदूर का एक अलग ही महत्व है। आस्था के महापर्व छठ को लेकर जहाँ सूप, डलिया और नारियल का महत्व है, वहीं सिंदूर का भी एक अलग ही महत्व होता है। बिना सिंदूर के छठ पूजा संपन्न नहीं हो सकता, जिसे लेकर भागलपुर के घाटों पर सिंदूर बेचते बाहर से आए दुकानदारों को देखा जा रहा है। वहीं सिंदूर बेचने आए दुकानदारों ने बताया कि लगभग 5 से 6 तरह की सिंदूर की बिक्री हर वर्ष छठ को लेकर करते हैं, इससे अच्छी आमदनी भी हो जाती है। साथ ही दुकानदारों ने बताया कि इस बार का भाव पिछले साल की तरह ही है, लेकिन बिक्री इस बार ज्यादा अच्छी हो रही है। 5-6 वैरायटी का है। सारा सिंदूर कहाँ से ला रहे हो? पटना से खरीद कर लाते हो। क्या खासियत है ऐसी कलरफुल सिंदूरों की? सिंदूर ये सुहागन के लिए होता, पहनता है लोग। तो पिंक कलर है, येलो है, थोड़ा बहुत सारा कलर है। हाँ, सब सिंदूर है। बिक्री होता है? बिक्री हो जाता है। हो जाता है, धंधे में फायदा है। हाँ? धंधे में फायदा है। हाँ। हम लोग भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। क्या नाम? तुम्हारा घर कहाँ है? नाम बिट्टू कुमार। कहाँ के रहने वाले? अमरपुर के रहने वाले। कब से दुकान लगाए हो यहाँ? यहाँ कल से लगाए। कल से लगे। कब तक चलेगा यह दुकान तुम्हारा? ये कद्दू भात के दिन। कद्दू भात के दिन तक कुछ दिन चला जाएगा सब शाम। लगभग कितने की बिक्री हो जाती है? लगभग 8-10 हज़ार की। 4 दिन में? हाँ, 4 दिन में। भागलपुर में स्केटिंग की ओर बच्चों का झुकाव जमकर देखा जा सकता है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में तकरीबन 300 बच्चे स्केटिंग सीखते नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे तो सड़कों पर भी फर्राटे भरते नजर आते हैं। चाहे लड़के हो या लड़की, इसमें सभी लोग जमकर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण अब खेल में बच्चों का भविष्य बन सकता है। इसे देखते हुए परिजन अपने अपने बच्चों को स्केटिंग सिखाने में अधिक समय दे रहे हैं। इसको लेकर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में स्केटिंग के लिए ट्रेनर भी काम कर रहे हैं। स्केटिंग सीखे बच्चे भागलपुर के कई कार्यक्रम में अपना जलवा भी दिखाते नजर आते हैं। बिल्कुल, ये एक स्पोर्ट्स में ही आता है। और ये जो गेम है, ये पहले जो है SGFI में नहीं था, स्कूल गेम्स में नहीं आता था, लेकिन इस बार से ये अब स्कूल गेम्स में भी खेला जाएगा, चाहे वो सरकारी हो या CBSE हो, कोई सा भी स्कूल हो, ये स्कूल गेम्स में भी ये स्पोर्ट्स खेला जाएगा। और इसमें स्कोप भी है, अब अंडर 19 अगर कोई खेलता है और गोल्ड मेडल अगर लेकर वो आता है तो उसको 5 लाख रुपया प्लस एक सरकारी नौकरी भी अब सरकार कर दी है। तो ये एक अब स्कोप भी मिल गया, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब स्कोप भी है। तो बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं ये लोग कर रहे हैं, और यही स्कोप से अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और अभी 1 महीना के बाद नेशनल भी है। तो हम लोग प्रैक्टिस हम लोग का अभी तत्काल में कहाँ से बच्चों को खिलवा कर लाए हैं? अभी तत्काल में ये पिछले संडे को हम लोग मुजफ्फरपुर से लेकर आए हैं स्टेट लेवल, जिसमें कि एक गोल्ड, एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मिला है भागलपुर से। और अगले महीने हम लोग का नेशनल है जो कि चेन्नई में। कब से ये प्रैक्टिस यहाँ बच्चों को करवा रहे हैं? बच्चे लोग का हो गया लगभग 4 से 5 महीना हो गया। 4 से 5 महीना। हाँ, शुरुआत किए थे तो उस समय कितने बच्चे थे? उस समय तो कम ही बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे देखे, क्योंकि यहाँ पे कोई जान नहीं रहा था या बहुत जानकारी भी नहीं था उसके बारे में, तो जैसे जैसे बच्चे लोग देखते गए वैसे वैसे यहाँ पे बच्चे लोग आते गए। और यहाँ पे बच्चे लोग अभी फिलहाल 20 से 25 बच्चे हैं जो कि अभी अच्छे से कर रहे हैं, और वो लोग आगे कंपटीशन में भाग भी लेंगे। जैसे जैसे कंपटीशन होगा बच्चे लोग भाग लेते रहेंगे। परिचय देते हैं। भागलपुर जिला के डाउट बाट चौक के समीप हबीबपुर थाना क्षेत्र के भागलपुर अमरपुर मुख्य सड़क मार्ग पर जिला खनन विभाग के दिशा निर्देश पर माइनिंग अधिकारियों द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में अवैध रूप से खनन किए गए बालू लोडेड ट्रैक्टर को देखकर रुकने का इशारा किया, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर ने माइनिंग अफसर को पहचान लिया और जानलेवा हमले की नीयत से चलती गाड़ी से कूद गया, जिससे स्कॉर्पियो का आगे का दाहिना हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जिसके बाद माइनिंग ऑफिसर के पास पुलिस बल ने एक और माइनिंग ऑफिसर ने अवैध बालू ट्रैक्टर को जब्त कर हबीबपुर थाने में जमा करा दिया और FIR दर्ज करा दिया गया है। जो विभागीय आदेश और वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में हम लोग संयुक्त रूप से जांच कर रहे थे, उसी के दौरान एक अवैध रूप से बालू लदा हुआ ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने पर वो बालू लदा हुआ तो चालान नहीं दिखा पाया और सामने से टक्कर मार के वो फरार हो गया वाहन चालक। बाकी सामने से तो आप देख ही रहे जैसा हुआ है। क्या क्षति हुआ होगा गाड़ी में? गाड़ी को सामने से टक्कर मारा है, उसमें दिखाया कि सामने मतलब एक तरफ का गाड़ी का एक तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है आगे से।
इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है गाड़ी के? इसमें प्राथमिकी दर्ज करा दिया गया है, बाकी आगे का जैसा विभागीय पदाधिकारी या वरीय पदाधिकारी का जैसा निर्देश होगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी आगे। गाड़ी जब्त हो गया क्या? गाड़ी जब्त होकर थाना में लगे, उस पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है और आगे जैसा विभागीय आदेश होगा या वरीय पदाधिकारी का जो भी आदेश होगा उसके आलोक में लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। कोई गिरफ्तार भी हुआ है? इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, बाकी प्राथमिकी लेकिन दर्ज करा दिया गया है। तो साफ तौर पर कहा जाए कि बालू माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। कार्रवाई चलती ही रहेगी, अवैध रूप से जितना भी चलेंगे सब पे कार्रवाई चलेगी। लोक आस्था के महापर्व को लेकर अजगैवीनाथ धाम में छठ व्रती महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बताते चले अजगैवीनाथ के उत्तरवाहिनी गंगा घाट के कारण बिहार झारखंड सहित अन्य जगहों की छठ व्रती महिलाएं गंगा में डुबकी लगाने उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर अपने अपने घर में छठ पूजा में गंगा जल का उपयोग करते हुए छठ पर्व मनाती है। अजगैवीनाथ धाम उत्तरवाहिनी गंगा होने पर यहाँ के गंगा जल का विशेष महत्व है, इसलिए खासकर छठ व्रती महिलाएं अजगैवीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा घाट पहुंचकर छठ में डुबकी लगाते हुए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य घर पहुंच रही हैं। इसी के साथ लोक आस्था के महापर्व चार दिवसीय नहाए खाए के साथ शुक्रवार को कद्दू भा से आरंभ हो जाएगा और इस लोक आस्था के महापर्व को देखने विदेशी सैनानी का जत्था अजगैवीनाथ धाम पहुंचा और मुआयना कर रहे हैं। विधायक प्रोफेसर नित नारायण मंडल ने नगर परिषद सभापति राजकुमार गुड्डू एवं थानाध्यक्ष निरंजन, कार्यवाहक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव के साथ छठ घाट का निरीक्षण करते हुए छठ घाट पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, लाइट की व्यवस्था, बैरिकेडिंग की व्यवस्था, एसडीआरएफ टीम 9 की व्यवस्था, हर समय गंगा घाट पर सुरक्षा की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम का निर्देश अधिकारियों को दिया। वही थानाध्यक्ष ने बताया कि गंगा घाट लेकर पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गंगा घाट पर दोपहर गंगा स्नान करने के दौरान एक बच्चा डूबकर लापता हो गया। घटना की जानकारी गनगनिया मुखिया प्रतिनिधि रामजी मंडल को मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष निरंजन एवं सीओ रवि कुमार को दी। इसके बाद पुलिस व एसडीआरएफ की टीम गंगा घाट पहुंची और बच्चे की खोजबीन में जुट गई। गंगा में डूबे बच्चे सूरज कुमार के मामा तूफानी कुमार मांझी ने बताया कि हमारा भगना सूरज कुमार पिता संजय मांझी शाहकुंड प्रखंड के खुरैया बरियारपुर गांव का रहने वाला है। हमारी मां स्वर्गीय कमला देवी के श्राद्ध क्रम में आया हुआ था और श्राद्ध क्रम का 10वां दिन है। इसके लिए गंगा स्नान के लिए सूरज कुमार अपनी मां मंजूषा देवी के साथ फतेहपुर घाट स्नान के लिए आया हुआ था, तभी सूरज कुमार जिसकी उम्र 13 वर्ष है गंगा में डूबने से लापता हो गया है। वहीं एसडीआरएफ की टीम के द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही है।